कांग्रेस व क्षेत्रीय दलों द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान आंदोलन के पीछे देश को तोड़ने वाली ताकतों का हाथ है। कृषि कानूनों से मंडियों को चलाने वाले लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है, इसके चलते उन्हें तकलीफ हो रही है। ये बात कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने प्रेस वार्ता में कही। कपूर ने कहा कि अमरेंद्र सिंह बिचौलियों से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में पंजाब व हरियाणा के कुछ ही किसान हैं, जबकि अधिकतर तथाकथित किसान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि कानून का अमरेंद्र सिंह, कांग्रेस और अन्य दल विरोध कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करवाई थी, जिससे किसानों को लाभ हुआ था, जिसके तहत जहां पहले 5 एकड़ में आलू की खेती होती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने के बाद 2000 एकड़ में आलू की खेती होने लगी। प्रदेश के लाहौल में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की गई, जिसमें सबसे ज्यादा दाम आलू का मिला। किशन कपूर ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ा षड्यंत्र अमरेंद्र सिंह कर रहे हैं। कपूर ने आरोप लगाया कि पंजाब का किसान अपनी फसल 2 रुपए किलो में बेचने को मजबूर है, उनके लिए अमरेंद्र सरकार ने क्या किया। कपूर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसान हित में लिए गए निर्णयों से कांग्रेस व अन्य दलों को अपनी राजनीतिक जमीन हिलती नजर आ रही है, जिसके चलते ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश शर्मा बबली, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष चमन सिंह डडवाल, किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद शर्मा, जिला कांगड़ा भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग भी उपस्थित रहे। देखो, ये जो बिल पास हुए हैं, ये किसानों के हित के बिल हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे कृषि मंत्री, जिन्होंने ये बिल लाया है और संसद में पेश हुआ है, संसद में इन बिलों पर डिस्कशन हुई थी, विपक्ष के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहां तो ये नहीं कुछ कर पाए, पर जो कुछ राजनीतिक दल हैं, उसमें खासकर कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, परिणाम आए हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे अन्य बाई इलेक्शन हो, चाहे यूपी का बाई इलेक्शन हो, बाकी उपचुनावों के परिणाम आए हैं, उसमें इनको अपनी जमीन खिसकती दिखी है। तो अब ये जो हवा किसानों को गुमराह करने का जो षड्यंत्र रचा, वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रचा है, और वो इसको भड़कावा दे रहे हैं। और अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ दलालों के हाथ में खेल रहे हैं, कुछ आड़तियों के हाथ में खेल रहे हैं, कुछ मंडियों में जो किसानों का शोषण करते थे उनके हाथों में खेल रहे हैं, बड़े जिम्मेदार जो एमएसपी का फायदा लेते थे, छोटे दुकान किसानों को उसका एमएसपी का फायदा नहीं मिलता था, उनका भी वो हिस्सा हड़प जाते थे, उनके हाथों में अमरिंदर सिंह खेल रहे हैं। क्योंकि राजा हैं तो वो बड़े लोगों की बात करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आम आदमी हैं, एक आम परिवार से हैं, वो हर गरीब की पीड़ा को समझते हैं, उन्होंने गरीब की पीड़ा को देखा भी है, नज़दीक से देखा भी है और सहा भी है, इसीलिए हर गरीब का, हिंदुस्तान के हर गरीब का उन्होंने ध्यान रखा है, और हर गरीब की आय कैसे बढ़ी, उसमें किसानों की आय कैसे दुगना हो, उसके लिए ये बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री श्री तोमर जी लाए हैं, और उससे जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। अब कांग्रेस बताए कि आज तक ऐसी योजनाएं वो क्यों नहीं बना पाई, और कांग्रेस के जो षड्यंत्र हैं, हिंदुस्तान का आम जनमानस उस बात को समझ चुका है।